दोस्तों, ओ माय गॉड, क्या बढ़िया जगह पे आया हूँ मैं। आप भी एंजॉय करो इस व्यू को। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग अगेन। माय नेम इज गौरव तिलथिया एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं हूँ अपने भोपाल से बाहर। मैं आया हूँ दोस्तों यहाँ होशंगाबाद जिले में कुछ इम्पॉर्टेंट काम करने के लिए। भैया की शादी है ना, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट व्यू दिखाता हूँ मैं आपको, ध्यान से देखना दोस्तों। ये देखो, मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ नर्मदा घाट पर। खतरनाक जगह है और यहाँ हम पहले पूजा वूजा करेंगे अपनी और उसके बाद अपने कार्ड बांटने का स्टार्ट करेंगे। तो अभी मैं थोड़ा सा काम करता हूँ, फिर आपको अच्छा प्रॉपर व्यू दिखाऊंगा और इसके बारे में बताऊंगा कि इस नर्मदा नदी को इतनी पवित्र क्यों मानते हैं। तो बहुत मजा आएगा, लेट्स गो। भाई गॉड, भयंकर ठंडी है भाई। अच्छा हुआ मैंने घर से ना होके आ गया। मम्मी बोल रही है कि मैं यहाँ डुबकी मारूंगी। और भैया मार लो डुबकी, अपन से तो ना होगा। ये हमारे भैया, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। ये देखो भाई ने नहा भी लिया, क्या शानदार जगह है गाइस। वो देखिए, वो कितना शानदार लग रहा है, वो वाली पहाड़ी। आराम चल रहा, लेकिन मम्मी एक्साइटेड थी नहाने के लिए। नहाओ भैया, इतना एक्साइटमेंट था ना आपको, नहाओ अच्छे से। आराम से आ जाओ, नहा लिया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। बात यह है कि हिंदू माइथोलॉजी में ये बोलते हैं कि गंगा नदी इतनी पवित्र नदी है कि गंगा में डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी इतनी ज़्यादा पवित्र है कि उसमें डुबकी लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ देखने मात्र से आपके पाप धुल जाते हैं, दर्शन मात्र से आपके पाप धुल जाते हैं, ऐसा हिंदू माइथोलॉजी में कहते हैं। मैंने मध्य प्रदेश जीके में पढ़ा था तो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो बहुत पवित्र नदी है। और दोस्तों, ये गंगा और नर्मदा नदी क्यों पवित्र मानती है उसका साइंटिफिक रीज़न मैं बताता हूँ। इनके अंदर एक बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं डिलो बिब्रियो बैक्टीरिया। तो वो बैक्टीरिया क्या करता है दोस्तों, वो पानी को कभी भी गंदा नहीं होने देता। जैसे रोटी बासी हो जाती है ना, ऐसे ही पानी भी बासी हो जाता है। जैसे बॉटल में पानी भर कर रखोगे ना और 50 दिन तक रखा रहेगा तो वो बासा हो जाएगा, लेकिन ये बहता पानी है ना और इसके अंदर वो वाला बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया मतलब वो जर्म्स को किल करते रहता है और पानी को स्वच्छ रखता है, शुद्ध रखता है, इसलिए इसको पवित्र मानते हैं। इसका साइंटिफिक रीज़न है, आपको पता होना चाहिए, UPSC में ऐसा क्वेश्चन आता है। हाँ बस यहीं, आगे नहीं जाना, बस यहीं। ये लो, दोस्तों हमारी ऑलमोस्ट पूजा हो गई है। हमने मतलब नर्मदा जी से स्टार्ट कर दिया पूरी कहानी, पूरा मतलब जो भी प्रार्थना करनी थी, जो प्रेयर्स करनी थी कर ली है। तो अब बलिए एक पॉजिटिव नोट के साथ अब हम ना कार्ड वगैरह बांटने स्टार्ट करेंगे। अब आप कितने क्यूट हो, कितने प्यारे हो आप। क्या भूख लग रही है आपको, भूख लग रही है, खा लो आपका खाना। उसका खाना ये है, खा लो आपका खाना, भूख लग रही है ना आपको। क्यूट हो आप, क्यूट। हाँ दे लो, हाँ। तो गाइस, मैं और मम्मी नर्मदा जी की पूजा करके चंदू भैया के साथ वापस आ गए थे। तो चंदू भैया वहीं रुक गए, कहीं उनका फ्रेंड मिल गए थे। तो अब हम घर आ गए हैं और दोस्तों मैं आपको मस्त इंसान से मिलवाता हूँ, मस्त बच्चे से, क्यूट से, चंदू भैया का छोटा वाला लड़का, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही क्यूट है। देखो मम्मी खिला भी रही है। तो चलो मैं इंट्रोडक्शन करवाता हूँ उससे, बहुत ही प्यारा, बहुत ही क्यूट है। और दोस्तों ये अपने चंद्रशेखर भैया का घर है, मतलब पूरे होशंगाबाद में बहुत सही जगह पे, प्राइम लोकेशन पे, मस्त। चलो हेलो, हाय हाय विराज, अरे क्या हुआ, खेलोगे हमारे साथ, खेलोगे। अब नहीं रो रहा, देखो अब नहीं रो रहा, मैंने उसको ले लिया, बस यहाँ वहाँ देखते रहता है वो और रोने लगता है, उसको भूख लगती है तो रोने लगता है। फिर मम्मी उसको खाना खिला देती है, उसका कुछ दूध पाउडर वगैरह कुछ है, बस जिंदगी बस यही चल रहा है अभी सुबह शाम उसकी। तो बच्चों को संभालना बहुत टफ होता है दोस्तों, मैं कल से रात से देख रहा हूँ। कभी रात में 1 बजे जाग जाता है, कभी रात में 3 बजे, कभी भी जाग जाता है, कभी भी रोने लगता है।
तो बच्चों की बहुत केयर करनी पड़ती है, कभी भी सुसू कर देता है, कभी पॉटी कर देते बच्चे, पता नहीं चलता उनका, है ना भैया। कितने क्यूट हो आप कितने प्यारे लग रहे हो। हेलो, क्या हुआ, क्या देख रहे हो? दुनियादारी से परे, कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा। बाद में ये वीडियो देख खुश हो जाओगे, आपको यार चाची ने वीडियो बनाया था हमारा, है ना। ये देखो आप हो। चांदी की कटोरी, ये चांदी की चम्मच, चांदी की कटोरी। भैया बहुत खुश नसीब भैया, चंदी भैया के यहाँ जन्म लिया उसने। करोड़पति हो तुम अभी से, पता है कि नहीं तुमको, करोड़पति हो तुम, और पता है तभी तुम्हारा नाम विराज है, और डबल करोड़पति बनना तुमको, और है ना। देखो टच कर रहा है, क्या हुआ कुछ, मुझे ऐसा लगता है दोस्तों बोल रहा है मेरे को उठा लो और घुमा दो बढ़िया मार्केट में। आपको नहीं ले रहा मैं। भाभी चुप गई है, भाभी बोल रही है मेरा वीडियो रिकॉर्ड मत करना। तो देखो प्लेट प्लेट दिख रही दोस्तों आपको, तो प्लेट को एंजॉय करें। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। रोने लगा भाभी, रोने लगा बच्चा। ओह माय गॉड, व्हाट अ नाश्ता, अलग ही दिख रहा, खुशबू आ रही है। दोस्तों ये हमारे घर के देवी देवता हैं, तो इनको भी प्रणाम करके हम अपना काम शुरू करते हैं। ये माया है, वो भी तुम्हारी सिस्टर है, बुआ की लड़की है। उसका नाम क्या है? आपका नाम शिल्पी। वाह व्हाट अ नेम, बहुत प्यारा नाम। और दोस्तों वो है छाया, छाया बहुत प्यारे लड़के हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं। बाय।